अस्सलाम वालेकुम जी। दराज के बेसिक सेलिंग कोर्स के अंदर एक बार फिर खुशामदीद। आज हम बात करेंगे बंडल क्रिएशन के ऊपर, या बंडल्स किस तरह काम करते हैं दराज के ऊपर। ये डेफिनेशन दराज से ली गई है कि दराज का जो बंडल क्रिएटिंग का प्रोडक्ट या प्रोडक्ट बंडलिंग का टूल है, जो सर्विस है, वो आपको ऑफर करती है कि आप किस तरह मल्टीपल प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट को कंबाइन करके एक पैकेज या एक एज अ एक प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ये टूल जो है, इसलिए आपको सेलर एज अ सेलर सपोर्ट करता है कि कुछ कस्टमर जो है सेपरेटली प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहे होते। कुछ प्रोडक्ट ऐसी है जिसके मुतालिक कस्टमर फील करता है कि आपके स्टोर पर तो है लेकिन उसको फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो आप बंडल में क्रिएट कर देते हैं, दूसरी अहम प्रोडक्ट के साथ इंक्लूड कर देते हैं, तो कस्टमर ना चाहते हुए या चाहते हुए वो ले लेता है, क्योंकि उसके ऊपर एक तो उसको डिस्काउंट मिल रहा होता है, दूसरा वो प्रोडक्ट एक ही पैकेज के अंदर जिसपे शिपिंग कॉस्ट नहीं आ रही, इजाफी शिपिंग कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती, उसके अंदर कस्टमर को मिल रहा है। तो इस तरह बंडल के जरिए आपकी सेल इंक्रीज होती है, आपके डिफरेंट प्रोडक्ट जो नॉन सेलिंग आइटम्स हैं वो सेल हो रहे होते हैं। टाइप ऑफ बंडल्स, दराज के प्लेटफॉर्म पे जो डिफरेंट टाइप्स हैं बंडल्स की, उनमें एक टाइप है क्वान्टिटी बंडल। क्वान्टिटी बंडल में हम ये करते हैं कि एक प्रोडक्ट की चार यूनिट अगर आप सेल कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट है हैंड फ्री, उसकी प्राइस 300 रुपये है, लेकिन अगर वो कोई कस्टमर उसको साथ में दो दो का बंडल हमने बना दिया, दो बंडल साथ में लेगा, तो हम 600 के बजाय 550 रुपये पर चार्ज करेंगे। लेकिन अगर वही आइटम कोई कस्टमर चार परचेज करता है, हमने दो का बंडल बनाया, दूसरा बंडल हमने चार प्रोडक्ट का बना लिया, वही हैंड फ्री अगर कोई कस्टमर चार परचेज करता है हमसे एक ही पैकेज के साथ, तो हम वो 1000 रुपये में सेल कर देंगे। मतलब पर यूनिट उसको 250 का पड़ेगा बजाय 300 रुपये के। और तीन यूनिट अगर अलग अलग परचेज करेगा, चार बार परचेज करेगा, तो उसको हर यूनिट के साथ 50 रुपये, 70 रुपये जो भी है शिपिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। लेकिन अब क्योंकि हैंड फ्री वो एक ही सेम पार्सल में चारों पैकेजेस आ सकते हैं, चारों हैंड फ्री एक ही फ्लायर में चली जाएंगी, तो वो एक ही शिपिंग कॉस्ट पे करेगा कस्टमर आपका। तो इस तरह कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं शिपिंग कॉस्ट सेम होने की वजह से और कुछ डिस्काउंट आपकी तरफ से मिलने पर। दूसरा बंडल का ऑप्शन होता है बाय वन गेट वन फ्री। ये आप तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आपकी किसी प्रोडक्ट में बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, अप्रॉक्स 90% 100% प्रॉफिट मार्जिन, तब आप क्रिएट करते हैं कि आपने 400 रुपये के एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ आप एक प्रोडक्ट सेम फ्री में दे देते हैं। कोई भी कस्टमर एक प्रोडक्ट परचेज करता है, उसके साथ दूसरी प्रोडक्ट उसको सेम प्रोडक्ट का दूसरा यूनिट फ्री ऑफर कर रहे होते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है फ्री गिफ्ट। आप सेल कर रहे हैं स्मार्ट वॉच, लेकिन उसके साथ आपने हैंड फ्री एक फ्री में दे दी फ्री गिफ्ट के तौर पर, ये आपका फ्री गिफ्ट बंडल बन जाता है कि जो भी हमारी स्मार्ट वॉच परचेज करेगा उसको हम एक हैंड फ्री फ्री में दे देंगे जिसकी प्राइस 300 रुपये। वो प्रोडक्ट आपने पहले से लिस्ट की हुई होती है एज अ प्रोडक्ट सेलिंग यूनिट होगा, सेल नहीं भी हुई तो, लेकिन वो प्रोडक्ट आपकी लिस्ट और लाइव होगी, वो आप मेंशन करेंगे कि ये प्राइस 300 रुपये थी, लेकिन अगर आप ये 3000 की वॉच हमसे परचेज कर रहे हैं तो आपको ये स्मार्ट वॉच के साथ हैंड फ्री फ्री में मिलेंगे 300 रुपये के। इसके अलावा चौथा बंडल का जो ऑप्शन है वो कॉम्बो है। मेन प्रोडक्ट हमारी स्मार्ट वॉच है, इसके साथ आप हैंड फ्री भी ले लें, हमसे चार्जर भी ले लें, ये सारी प्रोडक्ट आप एक साथ लेते हैं तो आपको 3% का 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। हर प्रोडक्ट के ऊपर 2% का डिस्काउंट, तो तीन प्रोडक्ट के ऊपर 6% का डिस्काउंट हो गया, हर प्रोडक्ट के ऊपर 3% है तो टोटल 9% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इस तरह हम डिफरेंट बंडल क्रिएट कर लेते हैं। ये पर डेफिनेशन आ गई, हमने पहले भी तफसीलन बात कर ली है, लेकिन अब भी आपको एग्जांपल के साथ ज़्यादा समझ आ जाएगा कि क्वांटिटी बंडल में क्या होता है कि सेफगार्ड का एक साबुन है 269 का, लेकिन बंडल ऑफ 6 बेच रहे हैं, फिर प्रोडक्ट का बंडल आपने एक ही प्रोडक्ट के ऊपर लिस्ट कर दिया है। ये एक टी शर्ट है लेकिन बंडल ऑफ 5 टी शर्ट आपने एक साथ कर दिए 990 रुपये में, सॉरी 950 रुपये में आपने लिस्ट कर दिए, 5 शर्ट वैसे 1 शर्ट देते थे, अब एक ही पार्सल बन जाएगा, सिंगल पैकेज शिपिंग फ्री आएगी इसके ऊपर। बेनिफिट आपको पहले हमने डिस्कस किया, मकसद यहाँ दराज खुद आपको बता रहा है कि क्या बेनिफिट है, कि शिपिंग कॉस्ट जो है वो सिंगल बन जाएगी, सिंगल पैकेज शिपिंग बन जाएगी, अफोर्डेबल हो जाएगा कस्टमर के लिए, इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन फॉर लो प्राइस प्रोडक्ट। ऐसी प्रोडक्ट जो आप 7 रुपये में बेच रहे थे आपको 6 रुपये बचते हैं, लेकिन अब आप 5 एक साथ बेच रहे हैं तो आपको एक ही पैकेज जो आपकी पैकेजिंग कॉस्ट थी उस वो भी डिक्रीज हुई, क्योंकि आप 6 पार्सल अलग अलग पैक करते तो हर पैकेज के ऊपर 10 रुपये पैकेजिंग कॉस्ट आ रही थी, अब 6 पैकेज प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ एक पैकेजिंग कॉस्ट आई 10 रुपये, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है बढ़ गया,
छह प्रोडक्ट एक साथ सेल हुई तो ठीक है, ₹26 का प्रॉफिट मार्जिन एक ही ऑर्डर के साथ आपको मिल जाता है। इंक्रीज सेलर असॉर्टमेंट वैरायटी ऑफ द सेल वॉल्यूम, आपकी जो लिस्टिंग है उसको बढ़ा देता है, सेल वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाता है इससे। ये एक और ऑप्शन है जो दूसरा बंडल टाइप है, बाय वन गेट वन फ्री का। सेम हमने एग्जांपल डिस्कस की थी कि आप हैंड फ्री परचेज कर ले, उसके साथ ये आईलाइनर की एग्जांपल दी हुई है दराज ने कि बाय वन गेट वन फ्री है, हैंड फ्री है, एक ही की आप एक परचेज करें दूसरी आपको फ्री मिल जाएगी। इसके बेनिफिट क्या है कि सिंगल पैकेज शिपिंग फी कस्टमर के लिए इजी हो जाता है, सिंगल पैकेज इसमें कस्टमर को ज़्यादा प्रॉफिट है कि ₹300 में एक के बजाय दो हैंड फ्री मिल रही है। इंक्रीज स्टॉक क्लियरेंस बाय इंक्रीजिंग सेल्स, आपका वो स्टॉक जो सेल नहीं हो रहा था जो एक्सपायरी के नज़दीक है, स्पेशली इसमें आई लाइनर वाली एग्जाम्पल आ जाती है, अगर ये एक्सपायर होने वाली प्रोडक्ट हैं तो आप देख रहे हैं वैसे ₹100 में एक सेल कर रहे थे, आपने दो प्रोडक्ट की 175 प्रोडक्ट प्राइस करके सेल कर दी ताकि आपका स्टॉक जल्दी से खत्म हो जाए, ताकि आपको एक्सपायर ना हो, आपकी प्रोडक्ट लॉस ना हो। सेलर कैन हाईलाइट प्रोडक्ट विद लो व्यूज एंड सेल्स, ऐसी प्रोडक्ट जो आपके पास लो व्यूज थे, जिनके ऊपर व्यूज नहीं आ रहे थे, वो प्रोडक्ट आप ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट ज्यादा सेल कर सकते हैं। तीसरा प्रोडक्ट फ्री गिफ्ट का, कॉफी मग है उसके साथ प्लस फ्री गिफ्ट। यहाँ पर डिटेल नहीं लिखी हुई कि कौन सा फ्री गिफ्ट मिलेगा, लेकिन अब नई पॉलिसी के तहत आपको मेंशन करना पड़ता है गिफ्ट में क्या होगा फ्री में। उसके साथ बेबी डायपर के एग्जांपल, उसके साथ फ्री गिफ्ट्स, उसके साथ बेबी वाइप्स हो सकती है, बल्कि लिखा हुआ है कि कम सुपर माइल 36 पीसेस के साथ फ्री बेबी वाइप्स, फ्री बेबी वाइप्स। अब ये नई पॉलिसी के तहत आपको मेंशन करना होता है कि फ्री गिफ्ट क्या मिलेगा कस्टमर को। सेलर आर एबल टू यूटिलाइज दिस टेक्निक टू इंक्रीज सेल्स, इस टेक्निक के जरिए भी आप अपनी सेल बढ़ा सकते हैं कि कस्टमर आपके पास ज्यादा आएंगे कि आप एक प्रोडक्ट के साथ फ्री में कोई गिफ्ट दे रहे हैं। स्टॉक क्लियरेंस ऑफ आइटम, ऐसे आइटम्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं जो हमने पिछले स्लाइड में एग्जाम्पल दी, जो आपके पास स्टॉक में पड़े हुए काफी अर्से से सेल नहीं हो पा रहे थे, उनको आप इस बंडल के तहत बेच सकते हैं। 100% डिस्काउंट अट्रैक्ट करता है कस्टमर को कि आप पूरा पूरी की जो पूरी प्रोडक्ट है बेबी वाइप्स की, वो डायपर के साथ फ्री दे रहे हैं, तो कस्टमर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है कोई प्रोडक्ट 100% डिस्काउंट के साथ मिल रही है उन्हें। ये कॉम्बो डिस्काउंट की एक ऑफर है, एग्जाम्पल है कि कॉम्बो किस तरह बनता है। इसमें सेल्फी स्टिक है, सेल्फी मोबाइल हैंगर है, होल्डर है मोबाइल का, उसके साथ स्पीकर है या यूएसबी चार्जिंग लाइट है। ये सारा तीन चार प्रोडक्ट हमने एक बंडल में बना दिया। वैसे किसी कस्टमर को यूएसबी लाइट की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब उसको स्पीकर और हैंड फ्री स्पीकर और ट्राईपोर्ट लेना था, तो उन्होंने यूएसबी भी आपकी खरीद ली, यूएसबी आपकी नॉन सेलिंग आइटम था, इस तरह से वो सेल हो जाता है। इस तरह ये तीन ड्रेस की एग्जाम्पल है, एक ड्रेस आपकी सेल नहीं हो रही थी लेकिन दो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट हैं, या दो प्रोडक्ट आपकी सेल नहीं हो रही थी, एक टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, तो आपने क्या किया, उस टॉप सेलिंग प्रोडक्ट के साथ दो प्रोडक्ट और ऐड कर दी जो आपकी सेल नहीं हो रही थी। अब आपने कम्बो बना दिया, अब जो भी कस्टमर लेने आ रहा है उसको पता चल गया कि मैंने ये प्रोडक्ट लेनी है, लेकिन उस कस्टमर ने आपकी मेन टॉप सेलिंग प्रोडक्ट लेनी थी ये वाली, लेकिन ये प्रोडक्ट अब उसने परचेज करनी है। इस तरह आप अपना वो स्टॉक निकाल सकते हैं जो आपका सेल नहीं हो रहा था, थोड़ा सा डिस्काउंट देकर अब वो स्टॉक भी आपका सेल हो जाएगा। इंक्रीज असर्टमेंट वैरायटी ऑफ सेल्स, डिफरेंट वैरायटी में सेल हो रही है, कन्वर्जेशन रेट आपका बढ़ जाता है, जो कस्टमर प्रोडक्ट सेल नहीं भी ले रहे थे, अब वो क्योंकि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट के साथ आ गई है, तो आपका बंडल में प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो जाएंगे, प्रॉफिट मार्जिन आपका ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट सेल हो रही थी पैकेजिंग मटेरियल, लेकिन अब तीन प्रोडक्ट एक ही पैकेजिंग मटेरियल के साथ जाएंगी। सेलर गेट बंडल मोर आइटम्स टुगेदर विद एंजॉय हायर सेल्स, क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट को आपने मर्ज कर दिया तो डिफरेंट सेल, तीन प्रोडक्ट साथ में सेल हो रही है, तो आपका हायर सेल्स जनरेट हो रही है। पहले एक ड्रेस ₹700 का था, अब तीन ड्रेस सेल हो रही है, ज्यादा प्रॉफिट आएगा। क्यू बंडल क्रिएट करें, दराज आपको सजेस्ट करता है कि बंडल क्रिएट के जरिए जो है डिफरेंट डील्स आती हैं, कॉम्पिटिटर्स के साथ आप मुकाबला कर सकते हैं, स्पेशली हाई प्राइस जो कंपटीशन कैटेगरीज है वहां पर आपको बंडल क्रिएट करने पड़ते हैं, ताकि आप कंपटीशन में आ सके, डिफरेंट कंपटीटर्स के साथ कंपीट कर सके आप।
अपॉर्चुनिटी टू सेल लो कॉस्ट एटम एज पार्ट ऑफ द बंडल। जो लो कॉस्ट एटम्स है 50-60 रुपए उनकी प्राइस है, लेकिन कस्टमर जब भी देखता है उसका दिल नहीं करता कि 50 रुपए की प्रोडक्ट के ऊपर 100 रुपए डिलीवरी चार्जेस पे करें। तो आप उनको 500 रुपए वाली प्रोडक्ट के साथ इंक्लूड कर देते हैं, 300 रुपए वाली प्रोडक्ट के साथ बंडल में इंक्लूड कर देते हैं। कस्टमर को अब फील नहीं होगा कि वो 50 रुपए की दूसरी प्रोडक्ट ले रहा है जिसके ऊपर 100 रुपए चार्जेस, क्योंकि वो एक ही बंडल में एक ही 100 रुपए की डिलीवरी चार्जेस के साथ जा रहे हैं। बंडल अलाउ सेलर्स टू क्लियर देयर इन्वेंट्री ऑफ वट एवर प्रोडक्ट चूज। जो प्रोडक्ट आप चूज करते हैं उनकी इन्वेंट्री आप सेल कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट स्पेशली हम चूज करते हैं बंडल्स के दौरान जो हमारी सेल नहीं हो रही थी, उनको हम सेलिंग आइटम्स के साथ मर्ज कर देते हैं ताकि वो आइटम जो हमारे सेल नहीं हो रहे थे, स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, वो सेल हो जाए एक साथ। एडिशनली बंडल्स आर द फूल प्रूफ वे टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड इंक्रीज कन्वर्जेशन रेट। ये फूल प्रूफ वे है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कन्वर्जेशन रेट आपका बढ़ाने के लिए। व्यूज आते हैं लेकिन कन्वर्जेशन नहीं आ रही, सेल्स नहीं आ रही। अब आपके व्यूज के साथ साथ सेल्स जनरेट होना शुरू हो जाती है जब आप बंडल बनाते हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी बेहतर हो जाती है। बंडल क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हैं, स्टेप वन, सेलर सेंटर में लॉगिन होंगे, बंडल्स के टैब में जाएंगे, प्रमोशन टैब के अंदर बंडल्स में एड न्यू प्रमोशन, प्रमोशन डील्स फॉर बंडल्स एंड सबमिट बंडल। अब हम आगे शुरू में देखेंगे, ये आपका टैब आ जाता है प्रमोशंस का, यहाँ पर आप बंडल पे क्लिक करते हैं। ये लेफ्ट मेन्यू बार में भी होता है, टॉप मेन्यू बार में भी होता है। बंडल्स पे आप क्रिएट करेंगे, यहाँ से आप एड न्यू प्रमोशन करेंगे, ये हमारे बने हुए बंडल्स हैं, यहाँ आपको शो हो रहेंगे कितने बंडल एक्टिव है कितने डीएक्टिव है। यहाँ से आप न्यू प्रमोशन पे क्लिक करें करके नया बंडल क्रिएट करते हैं। यहाँ आपने क्वांटिटी बंडल टाइप सिलेक्ट करना है, क्वांटिटी बंडल, बाय वन गेट वन फ्री बंडल, या जो है तीसरी जो भी एग्जाम है बंडल की टाइप्स, हमने बाय टू गेट 10% ऑफ प्रमोशन का नाम जो भी आप देना चाहें, ये कस्टमर को मोस्टली नजर नहीं आते, आपके अपने लिए होता है। प्रमोशन का टाइम आप 11 तारीख से शुरू करके 25 तारीख तक रखना चाहते हैं, सारा साल चलाना चाहते हैं, मैक्सिमम 365 डेज तक आप प्रमोशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रमोशन लेवल एसकेयू के ऊपर होगा या ओवरऑल शॉप पे, बंडल्स मोस्टली एसकेयू पे क्रिएट होते हैं इसलिए ये लॉक है फील्ड, आप चेंज नहीं कर सकते। डिस्काउंट लेवल जो है क्या है, सॉरी, प्रमोशन टाइप कंडीशन क्या होंगी कि परसेंटेज डिस्काउंट दे रहे हैं या मनी डिस्काउंट दे रहे हैं। परसेंटेज 10% का डिस्काउंट आपने दे दिया 10 प्रोडक्ट परचेज करने के ऊपर, या आपने मनी डिस्काउंट दे दिया 10 प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो 10 रुपए पर प्रोडक्ट डिस्काउंट आएगा। ईच प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट गेट ईच आइटम 10 PKR ऑफ, यहाँ अगर आपने परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे तो परसेंटेज 10% ऑफ आ जाएगा जो भी आपकी प्रोडक्ट है उस हिसाब से। यहाँ आप एड प्रोडक्ट करेंगे मेन प्रोडक्ट, इसके बाद अगर आपने कम्बो बनाया है तो उसके साथ दूसरी कौन सी प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट मोबाइल फोन है, उसके साथ हैंड फ्री है, बाकी प्रोडक्ट आप ऐड कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ आपने सबमिट कर देना है साथ में ऑप्शन। ये दूसरा बंडल टाइप बाय वन गेट वन फ्री का बंडल, सेम ऑप्शन है, नाम आपने देना है, डेट आपने सेलेक्ट करनी है, एड मेन प्रोडक्ट और फ्री प्रोडक्ट कौन सी है वो आपने ऐड करनी होती है। अब यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, पहले नहीं था लेकिन अब आपको लिखना पड़ता है कि फ्री प्रोडक्ट आप क्या इंक्लूड कर रहे हैं। सॉरी, फ्री ये बाय वन गेट वन फ्री था तो इसमें नहीं होता, सॉरी, इसमें सिर्फ आप मेन प्रोडक्ट ऐड की, इसके साथ एक प्रोडक्ट सेम यूनिट फ्री में जाएगा, कस्टमर को शो हो रहा है। फ्री गिफ्ट, यहाँ पर आपने फ्री गिफ्ट प्रमोशन का नाम आपने लिख दिया, ये मेन प्रोडक्ट और इसके साथ क्या आप फ्री दे रहे हैं वो आपने ऐड कर दी दूसरी प्रोडक्ट अपने। ये एक और कम्बो का बॉक्स हमने डिस्कस किया पहले भी कि कम्बो आपने टाइप सिलेक्ट की, प्रोडक्ट का नाम लिखा, बंडल का नाम लिखा प्रमोशन का, इसके बाद मेन प्रोडक्ट ऐड की, इसके साथ कौन सी प्रोडक्ट साथ में इंक्लूडेड है। मेन प्रोडक्ट हो गया हमारे मोबाइल फोन के साथ, दो ये प्रोडक्ट है, मिनिमम आप 10 प्रोडक्ट तक ऐड कर सकते हैं जितनी प्रोडक्ट ऐड करना चाहें बंडल में। फिर आप ऑप्शन दे दें कस्टमर इनमें से 2 प्रोडक्ट साथ में ले ले, 3 प्रोडक्ट साथ में ले ले, हर उस प्रोडक्ट पर उसको डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि हर प्रोडक्ट का मेन प्रोडक्ट पे 5% डिस्काउंट है, साथ वाली प्रोडक्ट पे 3%, 2% या 5% की ही एग्जाम्पल है, लेकिन जो डिस्काउंट आप देना चाहें वो ऐड। यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा ये नया प्रमोशन आपने टाइप किया है, एक्टिव है, एक्टिव होने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, मोस्टली प्रमोशंस फौरी तौर पे एक्टिव हो जाते हैं। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि बंडल किस तरह क्रिएट
विल माई बंडल गो लाइव इंस्टेंटली, योर बंडल विल गो लाइव ड्यूरिंग द प्रमोशन पीरियड यू हैव सिलेक्टेड। जब भी आपने सिलेक्ट किया, अगर आप आज 15 तारीख है, आपने सिलेक्ट किया कि बंडल आपका 25 से तारीख से शुरू हो, नेक्स्ट मंथ की 25 तक, तो वो एक महीना लाइव होगा, 25 तारीख से ही स्टार्ट होगा। अगर आपने आज की डेट सेलेक्ट किया है तो वो आज की डेट से ही शुरू हो जाएगा। इनमें प्रमोशन लिस्ट, व्हाट डज स्टेटस मीन, मतलब कि आपका जो स्टेटस है उसका क्या मतलब है। एक्टिव बंडल्स का मतलब है कि वो एक्टिव है, स्टोर्स पर नजर आ रहे हैं, डीएक्टिव मतलब है लाइव नहीं है। आई क्रिएटेड अ बंडल बाय एक्सीडेंट, हाउ कैन आई कैंसिल, विजिट प्रमोशन टैब। अगर आपने बंडल क्रिएट कर दिया था, आपका मूड चेंज हो गया या आपको पता चला कि ये बंडल मुझे क्रिएट नहीं करना था, तो सिंपली जाकर डीएक्टिवेट पे आप क्लिक कर देते हैं। ये जहाँ एक्टिव लिखा हुआ होता है या ये बंडल आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से आपने डीएक्टिवेट कर देना होता है। तो आप डीएक्टिवेट कर देंगे, बंडल एक्टिव नहीं रहेगा, किसी भी कस्टमर को नजर नहीं आएगा। पैकेज ऑल द आइटम्स द बंडल टुगेदर, ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप हर बंडल को अलग पैक करें, ऑल द आइटम्स या जो है उनको साथ में भेजें। बंडल आइटम्स इन द सेम पैकेज द बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस रिड्यूस रिटर्न, तो उनको एक ही पैकेज में, लेकिन पैकेजिंग आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कस्टमर आपको रिटर्न ना करे, उनकी पैकेजिंग में तोड़ फोड़ का खतरा कम होना चाहिए। आपको पता है ट्रांजिशन के दौरान प्रोडक्ट डैमेज होती है, इसलिए अच्छी पैकेजिंग करें, उनको एक साथ करें या फिर, लेकिन ओवरऑल जो ऑर्डर आपके पास आया है, एक ही ऑर्डर है, तो वो एक ही पार्सल होगा, फाइनल जो पैकेज बनेगा वो एक ही होगा, वो आप बॉक्स में बनाए, फ्लायर में बनाए, लेकिन अच्छी से अच्छी पैकेजिंग करें। रिटर्न पॉलिसी क्या है, कस्टमर मस्ट रिटर्न ऑल द बंडल प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू रिटर्न टू बी प्रोसीड, रिटर्न आइटम्स कैन बी क्लेम्ड एक्सेप्टेबल इन इनकम्प्लीट बंडल्स। अगर किसी कस्टमर ने कम्प्लीट क्लेम किया है कि इनकम्प्लीट आया था, तो उसको वो प्रूफ देना, अदरवाइज अगर कोई बंडल रिटर्न कर रहा है तो आपकी तमाम प्रोडक्ट्स कस्टमर रिटर्न करेगा, तभी वो रिटर्न एक्सेप्ट होगा। अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिसिंग मिलती है, तो आप क्लेम फॉर्म फिल करके कस्टमर सपोर्ट से, सेलर सपोर्ट से आप क्लेम कर सकते हैं। ये हम बंडल क्रिएशन पे बात कर रहे थे, इसका अगला सेशन हमारा होगा फ्री शिपिंग मैनेजमेंट पे, या हम बाकी जो टूल्स हमारे रहते हैं सेलर प्रमोशन मैनेजमेंट पे, उस पर हम बात करेंगे। इस सवाल से आपका कोई भी सवाल हो, तो आप सेलर सपोर्ट में हमारे ग्रुप में पोस्ट करें या यहाँ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, पील ई लर्निंग के ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।